पर्यावरण संरक्षण के लिए जहां शासन स्तर से प्रदेश भर में सभी विभागीय अधिकारियों को पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है, वहीं लक्ष्य को पूरा करने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने के लिए श्रम विभाग द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार अपनी टीम के साथ धामपुर शुगर मिल पहुंचे और मिल अधिकारियों कर्मचारियों के साथ परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान मिल परिसर में नीम, सागौन, बकैन, शीशम, आम आदि फल और छायादार पेड़ों के 500 से अधिक पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में श्रम विभाग और मिल कर्मचारियों से पौधारोपण कराया गया, साथ ही सभी लोगों से अपने अपने द्वारा लगाए गए पौधों को गोद लेने और उनकी देखभाल करने का भी संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर फैक्ट्री प्रबंधक विजय गुप्ता, सोमेंद्र पांडे, एनपी सिंह, भाजपा नेता कामेश्वर राजपूत सहित भारी संख्या में मेला अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। धामपुर से केशव चौहान की रिपोर्ट। उनके आदेश पर पूरे प्रदेश में पौधे लगाए जा रहे हैं, एक अभियान चलाया जा रहा है पौधे लगाने का। सभी जिलों में सभी डिपार्टमेंट को टारगेट दिए गए हैं, उसी के अंतर्गत श्रम विभाग ने भी पौधे लगाने का काम किया है। कम से कम 500 से ऊपर ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधे लगाने मतलब आप लोग समझते ही हैं कितना महत्व है पौधों का। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आम जनता से? अपील जो है, जो व्यक्ति जो पौधा लगा रहा है उसका दायित्व है कि उस पौधे की देखभाल रख के उस पौधा को उसको गोद दिया जा रहा है। इस तरह से गोद है, उसकी देखभाल उसे करना है, बच्ची तरह पालना है, उसको समय से पानी देना, देखभाल देना, काटा पिटी जो भी करनी है हिसाब से करें।